के लिए हम लोगों ने एक छोटी सी टीचर्स ने मिलकर के एक वर्कशॉप बनाई है इंद्रनगर में, उसका नाम है अन्वेषिका। उसमें 12वीं तक के बच्चे आकर के मुफ्त शिक्षा ले सकते हैं। वो शिक्षा उनकी करके सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। विज्ञान को करके सीखने का उनको एक एक्सपीरियंस मिलता है, संडे को भी खुलती है वो। आप अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं कि वो परिवार जो आपसे जुड़ गए हैं उनको केवल अपने कर्मचारी ही ना मानो, अगर इफ यू कैन डिवोट सम टाइम एट लीस्ट, तो आप उनकी जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, उसमें आप सहयोग कर सकते हो। इस तरह आप अपने समाज के काम, अगर ऐसे 100 लोग निकल आए, 1000 लोग निकल आए, अगर उन्होंने 4-4, 6-6 परिवारों से वो अटैच हो गए, कुछ तो किया होगा उन्होंने। अगर 1 करोड़ का काम किया, उसने 20-25 लाख रुपए टैक्स दिए, तो उन्होंने गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के लिए उनके हाथ में कुछ दिया। केवल बातें नहीं की कि देशभक्ति है, करना है देश सेवा, कर रहे हो, वर्किंग बाई डूइंग बिजनेस ऑनेस्टली, यू आर मेकिंग अ कंट्रीब्यूशन टू योर कंट्री, टू योर सोसाइटी एंड ऑफ कोर्स योर फैमिली। अपने इंडिया में ही पूरी, कानपुर तो छोड़ दीजिए, कानपुर में ये बिजली की बहुत प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की, उसको लेके मतलब अपने इस क्षेत्र में क्या हो रहा है? हमारे पास स्रोत अभी 3 हैं, थर्मल, हाइडल एंड न्यूक्लियर, बाकी सोलर ऊर्जा वगैरह भी है। तो अब हाइडल में कितना होता होगा सर? 2.4% न्यूक्लियर से अभी बहुत कम है, सोलर तो लेस देन 0.5% सोलर बहुत कम अभी प्लांट्स है, अभी बहुत ज़्यादा है ना, विंड पावर से ज़्यादा है, ये सब नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपको हैंडल की प्रॉब्लम, आपने देख ली, विस्थापित ज़्यादा होते हैं, स्टीम से बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। अब सबसे कम किस तकनीकी से नुकसान है? न्यूक्लियर से तकनीकी बात, लेकिन पर्यावरण को सबसे कम नुकसान न्यूक्लियर से है। हाइड्रल से विस्थापितों की प्रॉब्लम शुरू हो गई, इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत, नहीं तो हाइड्रल में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया लेना पड़ता है, इतने ज़्यादा लोग हटाना पड़ता है। तो न्यूक्लियर में अगर आप बिलीव करेंगे तो उसके जो तकनीकी खामियां हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं, और किया भी जा रहा है।